हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली लाइफस्टाइल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारे इधर आज आंवला आया है, मेरी मदर इन लॉ ने आंवला लेकर आया है, तो मैं जा रही हूँ उसका अचार बनाने, इंस्टेंट अचार, झटपट वाला अचार, एकदम टेस्टी, एकदम चटपटा। तो आपके साथ मैं सोच रही थी शेयर कर लूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ किचन में चल के कि मैं झटपट वाला अचार आंवले का कैसे बनाती हूँ। तो चलिए देखते हैं किचन में। तो आंवले के अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आंवला को अच्छे से धो लिया है और इसे बॉईल कर लिया है। 10 मिनट मैंने पानी में से बॉईल किया है। ये देखिए, ऐसे 10 मिनट बॉईल करने के बाद ये अपने मतलब इसके सारे कली अलग अलग हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, पक गया है। उसके मसाले के लिए मैंने लिया 2 चम्मच सरसों, 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच मेथी और हल्दी 1 चम्मच, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली। तो सबसे पहले हम मेथी, जीरा और सरसों को पीस लेंगे, दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा पीसना है। ये देखिए मैंने इस तरह से पीस लिया है जीरा, सरसों और मेथी दाना को अच्छे से पीस लेना है, पाउडर नहीं करना है। और फ्रेंड्स, पीसने के बाद मैंने लहसुन और अदरक को भी कूट कर ले लिया है अच्छे से। उसके बाद देख लेंगे फ्राई पैन और उसमें देंगे हम ये अचार सरसों के ऑयल में ही बनाएंगे, सरसों तेल में बनाएंगे। तो पैन में मैंने सरसों का तेल रख दिया गरम होने के लिए। और ये देखिए मेरे सारे मैंने आंवले को इस तरह से कैंडी जैसे सारे अलग कर दिया है। और ये देखिए सारे कली को अलग करने के बाद मैंने ये तेल हमारा जब गरम हो गया है, राई का तेल लेना है। तो ऑयल गरम होने के बाद मैंने लहसुन और मिर्च को, ग्रीन चिल्ली को डाल दिया, अच्छे से इसे पका लेंगे। और आंवले में जैसे कि सबको पता है विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में ही पाया जाता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और ये देखिए मेरी लहसुन और ग्रीन चिल्ली अच्छे से जब भून गया, पूरा जलाना नहीं है, बस हल्का सा स्टफ करना है। उसके बाद मैंने डाल दिया है मसाले को जो मैंने कूट के रखा था थोड़ा सा पीस के। उसके बाद थोड़ा सा मैंने वाटर ऐड किया है ताकि ये अच्छे से पक जाए। थोड़ा तो ये मसाला हमारा पक गया है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया। हल्दी भी हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, तो मैंने हल्दी भी थोड़ा सा डाल दिया है। ये अचार हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसे डायबिटीज़ पेशेंट भी खा सकते हैं, बच्चे लोग को भी दे सकते हैं, इससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। इसलिए अचार नुकसान नहीं करता है, फ़ायदा तो सभी जानते हैं, विटामिन सी जितना इसमें पाया जाता है उतना किसी भी वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स में विटामिन सी नहीं मिलता, जिसने इसमें मिलता है। और इसमें मैं थोड़ा सा नींबू, एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा लिया है, उसका रस मैं इसमें जूस डाल दूंगी नींबू का, ताकि ये और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और वैसे तो ये ऐसे ही अच्छा लगे खाने में, बट थोड़ा और फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया है नींबू रस का। और मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से पका लिया। और ये देखिए मेरा अचार तैयार हो गया है, झटपट वाला टेस्टी अचार एंड हेल्दी। तो आप लोगों को कैसा लगा ये अचार मुझे बताना, आप लोग भी ट्राई करना, आप लोग भी बताना आपको कैसा लगा ये अचार बना के, अगर आप लोग बनाना तो मुझे प्लीज़ बताना। फ्रेंड्स, आंवला का अचार बन गया। आंवला हमारे
हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, अच्छे से रहती है, हेयर ग्रोथ होता है और आपका IQ बढ़ता है। आंवला से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं, आंवला तो बहुत ही गुणकारी है। आंवले का अचार खाओ या मुरब्बा खाओ या फिर आंवला चूर्ण पाउडर बना के भी ले सकते हो। तो आज मैंने ये छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की, आंवले की अचार, झटपट वाली अचार। आपको कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो, लाइक कर दीजिएगा, और न्यू व्यूवर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो ब्लॉग डालूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। फिर मिलती हूँ आपसे एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय, गुड बाय गुड बाय।